नजर आने वाली एक्ट्रेस दिशा पाटी ने किस बॉलीवुड फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, क्या दिशा पाटनी एक्ट्रेस नहीं बल्कि साइंटिस्ट बनना चाहती थी, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे और उसमें लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली दिशा पाटनी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिशा पाटनी और सलमान खान इससे पहले भी एक फिल्म में काम कर चुके हैं जिसका नाम था भारत, और इसके बाद अब वो राधे में एक बार फिर से ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने काफी कम वक्त के अंदर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने कई सुपरस्टार के साथ काम भी किया। वेल, आपको बता दूं, दिशा पाटनी का बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था और वो फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। दरअसल दिशा पाटनी पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उनके करियर ने यू टर्न तब लिया जब उन्होंने 2011 में लखनऊ के अमिटी यूनिवर्सिटी में बायोटेक के पढ़ाई के दौरान मॉडलिंग जगत में कदम रखा। इसके बाद उन्हें कॉलेज में मिस कॉलेज भी चुना गया। दिशा पाटनी ने इसके बाद कई कॉम्पिटिशन्स भी जीता और कई मॉडलिंग शोज में पार्टिसिपेट भी किया, जहां वो फर्स्ट सेकेंड रनर अप भी रही। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फेमिना इंदौर की, जहां वो फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद दिशा पाटनी का करियर आगे ही बढ़ता गया। उन्होंने फिर एड एजेंसी के साथ भी काम किया। महज 17 साल की उम्र में दिशा पाटनी ने अपना पहला फोटोशूट करवाया जिसमें वो काफी डिफरेंट लग रही थी। इसके बाद उन्होंने कई एड्स में काम किया, जैसा कि आपको याद होगा कैडबरी सिल्क में वो नजर आई थी, जिसके बाद ही वो पॉपुलर हुई और फिर उनका करियर आगे बढ़ता चला गया। वेल, दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि दिशा पाटनी ने फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की एमएस धोनी पिक्चर से, जिसमें वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थी। वेल, अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता दें, दिशा पाटनी की पहली फिल्म एमएस धोनी नहीं बल्कि साउथ की फिल्म लोफर थी। फिल्म लोफर में दिशा पाटनी ने रवि तेज के साथ काम किया, जिसके बाद नीरज पांडे ने उन्हें कास्ट किया एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में, जिसमें उन्होंने एमएस धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक सुपरहिट फिल्म रही, जिसके बाद दिशा पाटनी के करियर को काफी बूस्टअप भी मिला। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो फिलहाल टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही है और ये दोनों लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ है। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि अगर ये लोग चाहें तो आने वाले दिनों में शादी भी कर सकते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में दिशा पाटनी और सलमान खान एक साथ नजर आने वाले हैं राधे में। फिलहाल मुझे इजाजत।